पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता की आपत्तिजनक टिप्पणी का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हुए थे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। यहां हिंसा भड़काने के आरोपी जावेद अहमद पर रविवार को बड़ी कार्यवाही हुई है। जावेद के अवैध बंगले पर बुलडोजर चला है। इससे पहले परिवार को जगह खाली करने का नोटिस भी दिया गया था, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार यह प्रॉपर्टी अवैध है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान एक बार फिर भारत को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर KSDVG मेज पाकिस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई तरह की बेबुनियाद और भ्रामक खबरें चल रही हैं और कई भ्रामक तस्वीरें भी शेयर किया जा रहा है। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर KSDVMEZ पाकिस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई तरह की बेबुनियाद और भ्रामक खबरें चल रही हैं और कई भ्रामक तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। DFRAC के अनुसार पाकिस्तान में आरी समाचार सहित कई मीडिया घरानों ने गलत खबर चलाई थी कि ओमान के मुफ्ती ने भारतीय उत्पाद के बहिष्कार की घोषणा की है। सच यह है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की आलोचना की थी और सभी मुसलमानों को इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा था, लेकिन उनका बॉयकॉट इंडिया ट्रेन शुरू करने का दावा भ्रामक है। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल ने गलत दावा किया है कि निष्कासित भाजपा नेता नवीन जिंदल जाने माने उद्योगपति जिंदल के भाई हैं। यूपी बंगाल के बाद अब तेलंगाना में तनाव सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तनाव के बाद आदिलाबाद में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर तनाव के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है। वही उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ सख्ती जारी है। Thank you.